अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या मुश्किल है। मुश्किल ये है कि आप अपना फोन बेचें और उसकी सही प्राइस आपको मिल जाए। और ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे बेचना है अपना आईफोन 7 और उसकी सही प्राइस मुझे नहीं मिल रही है और मुझे लेना है आईफोन 10। और ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है कि आपने कोई फोन लिया है, आपको नया फोन लेना है लेकिन आपको सही प्राइस नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप अपना फोन बेच पाएं, सही बंदे को बेच पाएं और साथ ही साथ उसकी सही प्राइस भी हासिल कर पाएं। और इसके अंदर ये भी मैटर करता है कि आप किस समय पे उस फोन को बेच रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं बताता हूं पहली इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी फोन अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसकी करंट प्राइस पता कर लें कि मार्केट में उसकी करंट प्राइस क्या है। करंट प्राइस से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितनी प्राइस उस फोन की चल रही है और फिर उसके बाद आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि उसके हाफ या उसके हाफ से थोड़े ज्यादा आपको मिल सकते हैं जो भी करंट प्राइस उस फोन की चल रही है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी फोन आप खरीदें तो ये ध्यान रखें कि उस फोन को आप 6 महीने से 8 महीने के अंदर ही बेच दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगी उसकी बेस्ट प्राइस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रीसेल वैल्यू आपको उस फोन की मिल जाएगी। तीसरी चीज यहाँ पे है कि आप ब्रांड वैल्यू को बिल्कुल कंसिडर करें, क्योंकि सैमसंग का एक फोन उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू शाओमी का एक फोन जिसकी रीसेल वैल्यू उतनी नहीं होगी। तो कोई भी फोन आप लेते हैं तो ये चीज ध्यान रखें, अगर आपने फोन जल्द ही चेंज करना है यानी कि 6 से 8 महीने में आपने दोबारा फोन लेना है तो उस केस में अगर आप सैमसंग का फोन लेते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको ज्यादा मिल सकती है कंपेयर टू शाओमी या फिर कोई और चाइनीज फोन। अब हम बात करते हैं और चीजों की, जैसे कि कंडीशन ऑफ द फोन भी मैटर करता है, यानी कि आपके फोन की कंडीशन क्या है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डिस्प्ले जो है बिल्कुल सही होना चाहिए अगर आपको सही प्राइस चाहिए तो, क्योंकि डिस्प्ले पे अगर स्क्रैचेस हुए तो डेफिनेटली प्राइस जो है नीचे आ जाती है, 1 से 2 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आप डिस्प्ले को बचा के रखें, उसके ऊपर कोई स्क्रीन गार्ड लगा के रखें या फिर उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखें तो आपका फोन डेफिनेटली आपको ज्यादा प्राइस जो है दे देगा। इसी के साथ ये भी चीज जरूरी है कि आपके फोन की फंक्शनैलिटी ठीक हो, यानी कि उस फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो सेंसर से रिलेटेड, कॉलिंग से रिलेटेड या स्पीकर से रिलेटेड, ईयरपीस से रिलेटेड, हेडफोन से रिलेटेड, ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये प्रॉब्लम आपके फोन में आती हैं तो डेफिनेटली उनके कुछ पैसे आपके कट जाएंगे लेकिन फोन फिर भी आपका बिक सकता है। इसके बाद किसको बेचें, ये चीज बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि कौन सा फोन किसके पास बेचने से आपको कितने ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं कैटेगरीज को दो में, तो यहाँ पे दो तरह के फोन है मार्केट में, एक वो जो कि बजट है, मिड रेंज है या फ्लैगशिप किलर्स हैं, दूसरे वो जो कि फ्लैगशिप फोन्स हैं। तो फ्लैगशिप फोन्स एक्चुअली आपको बेचने हैं किसी और को और मिड रेंज या बजट फोन्स आपको बेचने हैं किसी और को। और ऐसा क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ इस चार्ट के थ्रू, जिस चार्ट में आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे आपको कौन सा फोन किसके पास बेचना है जैसे आपको पैसे ज्यादा से ज्यादा उस फोन के मिल जाएं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चलिए बैक टू स्कूल और चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चीजें मैटर करती हैं कि आप किसको वो फोन बेच रहे हैं और कौन सा फोन बेच रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये है GTU सेलिंग गाइड जिससे हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा अपने फोन का। तो जैसे आप हैं कंज्यूमर यहाँ पे जिसके पास आपका फोन है जो आपको बेचना है, मार्केट गाय वो है यानी कि शॉपकीपर जिसको आप ये फोन बेच सकते हैं। तो या तो आप ये फोन मार्केट गाय को यानी कि एक शॉपकीपर को बेच सकते हैं या फिर आप ये फोन अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को जो कि बायर है यहाँ पे उसको बेच सकते हैं। तो इन द एंड यहाँ पे तीन लोग इन्वॉल्व हैं, कंज्यूमर है आप, मार्केट गाय है वो बंदा जिसकी शॉप है और बायर है वो बंदा जो एक्चुअली में उस फोन को खरीदने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक्चुअली एक फोन की जो बेसिक मिनिमम प्राइस है जो आपको लगता है कि भाई इतनी प्राइस तो मुझे मिल ही जाएगी, उतनी प्राइस आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं बेसिक प्राइस एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स आपकी प्राइस होगी। अगर आप बात करें प्रॉफिट की, जो भी मार्केट से आपका फोन ले रहे हैं, जो शॉपकीपर ले रहे हैं, वो डेफिनेटली फोन को यूज करने के लिए नहीं, वो आगे सेल करने के लिए ले रहे हैं, तो उस केस में उनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे वाई है। तो एक कंज्यूमर से एक मार्केट वाला बंदा जो है एक फोन को लेता है एक्स माइनस वाई,
यानी कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि 10,000 में आपका फोन बिक जाएगा, तो आप उसमें से वाई माइनस कर लीजिए, यानी कि 102,000 रुपए का प्रॉफिट जो है माइनस कर लीजिए, उस प्राइस पे मार्केट वाला बंदा 8,000 रुपए में आपको वो फोन लेगा और उसके अंदर वाई को ऐड करके बायर को 10,000 में बेच देगा। तो कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे मार्केट वाले बंदे का। अगर यही फोन आप बेचे सीधा बायर को, यानी कि आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव को आप ये फोन बेच रहे हैं, तो उस केस में आपको या तो मिलेगी एक्स यानी कि बेसिक मिनिमम प्राइस, साथ ही साथ लेकिन अगर आपकी डील अच्छी हो गई तो आपको एक्स प्लस वाई मिल सकता है बायर से, यानी कि आप जो है मार्केट गाय को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि आप नहीं कर पाएंगे डिपेंडिंग कि आपका वो कौन सा फोन है। तो ये तो हुई बात पूरी इक्वेशन की और प्रॉफिट की और लॉस की। इसके बाद अगर हम बात करें तो फोन यहाँ पे दो कैटेगरी में है, एक वो फोन जो कि 10,000 से 30,000 रुपए 35,000 रुपए तक जाते हैं, यानी कि वन प्लस के फोन, ओप्पो के फोन, सैमसंग के फोन, वीवो के फोन, किसी भी कंपनी के फोन यहाँ पे हो सकते हैं, और दूसरे फोन वो हैं जो कि 30,000 से ऊपर और 30,000 से लेकर डायमंड यहाँ पे लिखा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा उनकी प्राइस हो सकती है, जैसे कि आईफोन, सैमसंग या वन प्लस, वट एवर, जो भी आप, वन प्लस तो नहीं लेकिन हाँ आईफोन सैमसंग के फोन जो कि बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। तो उस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे दो एग्जाम्पल फोन की जो आपने फिलहाल बेचने हैं, तो मैं करंट मार्केट रेट की बात कर लेता हूँ। OnePlus 3T लॉन्च हुआ था 30,000 रुपए में, लेकिन फिलहाल वो फोन अगर आप बायर को बेचें, यानी कि अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को बेचें, तो उस केस में आपको 18,000 से 20,000 रुपए उस फोन के मिल जाएंगे। लेकिन वही फोन अगर आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको 12,000 से लेकर 13,000-14,000 रुपए तक मिलेंगे, क्योंकि मार्केट वाला बंदा उस फोन को कम प्राइस में लेगा, उसमें 1-2,000 रुपए और ऐड करेगा और उसके बाद उसे आगे बेचेगा। तो 30,000 के फोन को अगर आप आधा कर लें तो 15 से थोड़ा कम आपको प्राइस मिल रही है, यानी कि 12,000 से 13,000 रुपए आपको मिल रही है OnePlus 3T की। अगर हम बात करें iPhone 7 की, तो iPhone 7 इस केस में अगर किसी ने 60,000-70,000 का लिया है, तो उस केस में फिलहाल अगर आपको बायर के पास लेके जाएंगे, तो बायर उस फोन के 30,000 रुपए देने से पहले सोचेगा कि या तो मैं उस फोन को 30,000 में ले लूं जो कि पुराना आईफोन 7 है, या फिर इससे बढ़िया कि 30,000 रुपए में एक नया फोन ले लूं। तो कहीं ना कहीं बायर के पास उस फोन को बेचने में फायदा नहीं है जो कि उस फोन के उतने पैसे शायद आपको इतनी आसानी से ना दे, जबकि अगर आप उसे मार्केट वाले बंदे पे बेचेंगे तो उस केस में वो 30,000 रुपए दे के आपको और बाद में उस फोन को 30,000 से 35,000 रुपए में बेच सकता है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग फोन के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको वो किसके पास बेचना है। अगर आपका फोन है बजट मिड रेंज वाला 10,000 से 30,000-35,000 रुपए तक का, तो उस केस में आप उस फोन को बेचे मार्केट वाले बंदे के पास, नहीं जबकि बायर के पास, क्योंकि बायर आराम से आपको 20,000 रुपए तक उस फोन के दे सकता है। और डिपेंडिंग कि आप किससे बात कर रहे हैं और उनको कितना शौक है फोन का, वो आपको 18,000 से 20,000 रुपए OnePlus 3T के दे देंगे, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट वाला बंदा है वो पैसे कम दे रहा है। जबकि अगर हम आईफोन 7 की बात करें, तो आईफोन 7 बायर लेने से पहले सोचेगा कि भाई इतने पैसे खर्च करूं नहीं करूं, लेकिन मार्केट वाला बंदा एक शॉपकीपर वो आपको 30,000 रुपए आराम से दे देगा, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे उनके शॉप में जो है बायर्स आने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं उस फोन को आराम से बेच देंगे, जबकि उनका मार्जिन जो है यहाँ पे कम है OnePlus 3T का, और उसी वजह से उस फोन के वो कम पैसे दे रहे हैं, जबकि iPhone 7 वो आराम से बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रीसेल वैल्यू मैटर करती है, जैसा कि हमने बताया है इन सारे पॉइंट्स पे। लेकिन हाँ, अगर आपका फोन है मिड रेंज, तो आप जाइए उसे बेचने की कोशिश कीजिए डायरेक्ट अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि उतना पैसा वो आराम से दे देंगे आपको, 15,000 से 20,000 रुपए आपको मिल जाएंगे 30,000 रुपए के, डिपेंडिंग की फोन की कंडीशन कैसी है। लेकिन अगर आपके पास एक फ्लैगशिप फोन, एक महंगा फोन है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली वो मार्केट वाले बंदे को ही बेचना चाहिए, और यहाँ पे वो बेचना चाहिए आपको बायर को। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरी जो है राम कहानी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको अपना फोन सेल करना है और कहाँ पे आपको उसके सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो पे कम से कम 3,000 लाइक तो आने चाहिए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट टिप है इसी वीडियो के बारे में, तो वो शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, हम उसको फीचर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।